सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हमारा एमएस वर्ड में टॉपिक रहेगा टेक्स्ट एरिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेडर एंड फुटर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि पेज के ऊपर या मैसेज किस तरीके से हम देते हैं। तो आइए बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम लिख सकते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें करना होगा ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद हम इसमें जो भी लिखेंगे वो इसी में ही रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, और इसको हम उठाकर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे तो इसकी लाइन को यहाँ से हटा भी सकते हैं जहां पर शेप आउटलाइन लिखा हुआ है, और नो आउटलाइन करके हम इसे हटा सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है, इसकी पोजीशन हम कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चाहें तो दूसरा एक ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हम जितने भी चाहें बना सकते हैं, और उसके बाद हम एंटर करते हुए इसमें लिख रहे हैं। तो इसका मैटर इसमें पूरा नहीं आ पा रहा क्योंकि टेक्स्ट का जो एरिया है वो हमने कम करा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसका लिंक कर देंगे। एक ऑप्शन होता है क्रिएट लिंक, और क्रिएट लिंक के बाद जैसे ही दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा उस दूसरे बॉक्स में आ जाएगा। तो ये था हमारा एक ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्विक पार्ट के बारे में। क्विक पार्ट के अंदर जैसे ही यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट एक मैसेज आ रहा है, ये हम तब करते हैं जब हमें कोई मैसेज हर बार रिपीट करवाना है और हमें लिखना नहीं है उसको, तो हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन पीपल इज वेरी ब्रेव, और इस चीज को मुझे इंडियन नाम से सेव करना है। तो हमें क्या करना होगा, क्विक पार्ट में जाना होगा, ऑटो टेक्स्ट पे जाना होगा, और यहाँ पर सेव सिलेक्शन पे हमने इसे पीपल नाम से सेव कर दिया। अब हमें जब भी इसकी जरूरत होगी, जैसे हमें नेक्स्ट पेज पे इसकी जरूरत है इस पैराग्राफ की, हमें क्विक पार्ट पे जाना है और जाना है ऑटो टेक्स्ट के अंदर और आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से अगर यूज करते हैं, लाइक कंपनी आपने ले लिया और यहाँ पर कंपनी का नाम आप लिख देते हैं, तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपने एक बार कंपनी फीड कर दिया और फिर भी आपको यहाँ पर नीड है सेकंड पेज थर्ड पेज पर, तो आपको फिर से क्विक पार्ट पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से कंपनी पे जाना होगा, तो वही कंपनी इसमें फिल होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहां से हमने सीखा टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट के बारे में। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर हम कोई भी नाम स्टाइलिश लिखना चाहें तो यहां से पहले हमें चूज करना होगा उसके स्टाइल को, और उसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं ऊपर, इनका हम इस्तेमाल करते हुए इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइक शेप फिल जो भी हमें शेप में फिल करना है, या कोई भी स्टाइल यहां से चूज करना है ग्लो में, वो सारे के सारे ऑप्शंस आप यहां से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ड्रॉप कैप, और ड्रॉप कैप का मतलब होता है फर्स्ट लेटर को ड्रॉप करना। जो भी आपने पैराग्राफ का पहले वर्ड को कैपिटल करना है आपको ड्रॉप कैप पे ड्रॉप कर देना है, वो पहला अक्षर आपका ड्रॉप हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम यहां से ये पैराग्राफ लिखने के बाद हमने इसको करा है सिलेक्ट और कर दिया है ड्रॉप। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में पहला जो कैरेक्टर है वो ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में हमने कोई लेटर लिखा है और उसके नीचे हमें सिग्नेचर वेरीफाई कराना है, तो हम यहाँ पर उस बंदे का नाम डाल सकते हैं जिससे हमें सिग्नेचर वेरीफाई कराना है, लाइक हम यहाँ पर डाल देते हैं पलक शर्मा, और ये है मैथ की टीचर। तो इस तरीके से हमने उनका टाइटल और उनका डेजिग्नेशन डाल दिया है। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन के लिए उसका सिग्नेचर लाइन ऐड हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट में आप सिग्नेचर लाइन ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी लेटर अगर लिख रहे हैं और आपको डेट एंड टाइम की जरूरत है, तो आप यहां से जिस फॉर्मेट में चूज करना चाहें वो ले सकते हैं और ओके प्रेस करके उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेट एंड टाइम का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन बचता है टेक्स्ट में वो है ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी फाइल आपको यहाँ पर इंसर्ट करानी है बिना उस फाइल को खोले, तो आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब पर आप ब्राउज बटन पर क्लिक करना होगा और जो भी आप चूज करना चाहें उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगी और आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें
डिलीट करने से इसको वापस हटा भी सकते हैं। तो आपने सीखा टेक्स्ट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आगे के ऑप्शंस के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।